हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट रिलेशन की ड्राइव करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे दिया ड्राइव पढ़ रहा है। तो रिलेशन क्या है, तो कोडेंट और ड्रीम वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन आता है। उस रिलेशन को यहाँ पे हम लोग क्या करना है, मतलब कोई ड्राइव करना है। तो हम लोग का हेडिंग क्या है, करेक्ट रिलेशन बिटवीन कोडेंट एंड ड्रीम वेलोसिटी। इसका हिंदी में क्या होगा कि धारा या विद्युत धारा और अपवाह वेग के बीच संबंध है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ज्यादा ये संबंध को यूज किया जाता है, इस फॉर्मूला को यूज होता है। तो हम लोग थोड़ा यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम लोग हेडिंग फिर से रिकॉल करेंगे, क्या है करेंट। करेंट का हम लोग सिंबल क्या लेते हैं, कैपिटल आई, यानी आई सिंबल लेते भी है। उसके बाद क्या है, ड्रीव वेलोसिटी यानी अपवाह वेग, अपवाह वेग का सिंबल क्या लेते हैं, यानी वीवी। और हम लोग को इसी दोनों के बीच में क्या करना है, संबंध को निकालना है, मतलब रिलेशन निकालना है, ठीक है। किसके बीच में, आई और वीवी के बीच में रिलेशन को क्या करना है, हम लोग को ड्राइव कर देना है। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए सपोज कर यहाँ पे ये कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर का समझ गया ना, लंबाई कितना है, एल है। समझ में आया, इस कंडक्टर की लंबाई कितना है, एल है। इस कंडक्टर के दोनों इंड पॉइंट से यानी दोनों छोर से, ठीक है ना, एक बैटरी हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एक बैटरी को हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए है। समझ में आया, जैसे ही बैटरी को जोड़ देंगे तो ये कंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज सप्लाई होगा। वोल्टेज सप्लाई होगा यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो होता है, समझ गए, ऐसे कैसे होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होता है प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर होती है। समझ गए, इसीलिए यहाँ पे ये बड़ा वाला सिंबल है तो पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये छोटा वाला सिंबल है तो नेगेटिव चार्ज हुआ। तो विद्युत क्षेत्र जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेटअप होगा प्लस से माइनस की ओर, यानी ऐसे जा रहे हैं बाएं से दाएं की ओर, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और ड्रीव वेलोसिटी देखेंगे ध्यान से, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे डायरेक्शन है तो ड्रीव वेलोसिटी कैसे होगा, हुआ इसके ऑपोजिट, क्योंकि हम लोग पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे। तो यहाँ ड्रीव वेलोसिटी किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का ड्रीव वेलोसिटी कितना आएगा, ये दाहिने से बाएं की तरफ होगा। समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और डिस्कस कर रहे हैं। अब ये कंडक्टर है तो हर एक कंडक्टर में क्या होता है, प्रत्येक कंडक्टर को और ध्यान से देखेंगे तो प्रत्येक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझ गए। और वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या करते हैं, गति करते हैं। और वही जब गति करते हैं ना तो वही करेंट क्या कहलाता है, गति करना ही करेंट कहलाता है। समझ में आया। तो हम लोग देखेंगे ध्यान से, अगर मान लेते सपोर्ट यहाँ डिस्कस करते हैं तो ये आपका बेलन है, जस्ट लाइक बेलन मतलब कंडक्टर, बेलनाकार कंडक्टर है ये, यानी सिलेंडर टाइप का कंडक्टर है। ये तार लेंगे तो तार भी क्या होता है, बेलन की तरह होता है। तो जितने भी 3D फिगर होते हैं, समझ गए, जो हवा में बढ़ने वाले फिगर होते हैं उसका आयतन होता है, क्या होता है, वो आयतन। इसका भी आयतन होगा, ठीक है। तो इसका आयतन होगा, इसका क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल होगा। तो मान लीजिए ये वाला क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसको बोलेंगे ए है। तो ये जितना क्षेत्रफल होगा इतना यहाँ भी क्षेत्रफल होगा, इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा, ए ही होगा। तो दोनों जगह कितना होगा, ए। इसकी लंबाई कितना होगा, एल। तो बोलेंगे इसकी आयतन कितना होगा, तो आयतन निकालने का सूत्र क्या है हमारे पास, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ही ना होता है जी, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट। तो हम लोग पास लेंथ गुने ब्रेथ अगर मिला दिया जाए सपोज एल गुने बी, ठीक है ना, एल गुने बी को हम लोग क्या करते हैं, एरिया क्षेत्रफल। तो हम लोग आयतन कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल गुने क्या करते हैं, लंबाई कर सकते हैं, या क्षेत्रफल गुने चौड़ाई कर सकते हैं, या क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नया तरीका से क्या करेंगे, आयतन निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे बुआ, आयतन। अब हम लोग एक और चीज को डिस्कस करना है, पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। हम लोग माना कि मान लीजिए एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी चालक की लंबाई कितना है, एल है। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट किसे कहते हैं, ये तार हो गया, ठीक है।
ये तार का एंड वाला जो पॉइंट होता है जहां से हम लोग कट कर देते हैं, तो ये एंड वाला एरिया देखेंगे तो द्वितीय एरिया भी दिखेगा, यानी ये वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा, सर्कुलर एरिया होता है, इसी एरिया को हम लोग बोलते हैं और क्रॉस सेक्शन एरिया या इसी को बोलेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ओके, तो हम लोग देखेंगे आयतन निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर यानी चालक का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो चालक का आयतन अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे चालक का आयतन जो होता है, ठीक है, वो क्षेत्रफल गुणे लंबाई होता है, क्योंकि हम पहले ही बोल रहे हैं कि वॉल्यूम जो होता है क्या होता है, लेंथ गुणे ब्रेथ गुणे क्या होता है, हाइट होता है। लेंथ गुणे ब्रेथ गुणे क्या होता है, हाइट। तो लेंथ और ब्रेथ को गुणा करने पर क्या हो जाता है, एरिया। उसी प्रकार वो एरिया बढ़ जाएंगे तो एरिया गुणे हाइट, और हाइट भी एक प्रक्रिया होती है, लंबाई होती है, इसीलिए आप वॉल्यूम यानी आयतन क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल गुणे हाइट या क्षेत्रफल गुणे लंबाई, ठीक है ना, या क्षेत्रफल गुणे चौड़ाई या क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई करके आप किसी भी क्या होता है 3D फिगर की आयतन निकाल सकते हैं। समझ में आया। तो हमारे पास कंडक्टर वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर यानी चालक का क्या होता है, आयतन। तो मेरे पास क्या होगा, ए गुणे ए, ए क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गुणे लंबाई, गुणा करेंगे तो इस चालक का पूरा आयतन निकल जाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए कह रहा है कि अगर मान लीजिए स्मॉल ए क्या बताएगा, स्मॉल बताएगा, स्मॉल एन बताएगा नंबर डेंसिटी, स्मॉल एन क्या बता रहा है नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी क्या होता है, तो नंबर डेंसिटी का डेफिनेशन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, हालांकि हम आपको बताते हैं नंबर डेंसिटी जो होता है, ठीक है ना, एकांक एरिया में, सॉरी एकांक वॉल्यूम में, यानी एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या उपस्थित होती है उसी इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग बोलते हैं क्या, नंबर डेंसिटी कहते हैं, इसी को हम लोग संख्या क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। फिर से समझिए, हम बोल रहे हैं ना कि जैसे ये इसका आयतन होगा तो इसका कितना आयतन होगा, तो कितनों भी आयतन होगा तो इसका एकांक आयतन भी होगा, एकांक मतलब 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब आयतन में, तो मान लीजिए ई वाला पोर्शन 1 मीटर क्यूब आयतन, 1 मीटर क्यूब आयतन में या एकांक आयतन में या यूनिट वॉल्यूम में, समझ गया ना, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, समझ गया क्या कहलाता है, नंबर डेंसिटी कहलाता है। तो मेरे पास देखेंगे तो ये पूरे हमारे पास आयतन कितना है, तो पूरा आयतन देखेंगे तो ए गुणे एल है, कितना है वो, ए गुणे एल है, और एकांक आयतन में मतलब की 1 मीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो एल है। ये कौन बता रहा है, ये वाला सूत्र नंबर डेंसिटी का, यानी 1 मीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसी इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग नंबर डेंसिटी कहते हैं। समझ में आया। इसीलिए इसका एकांक आयतन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, एक, तो एकांक आयतन में यानी यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या है हमारे पास स्मॉल एन है, एन है नहीं, तो मेरे पास पूरे आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यानी सीधा समझो कि एक ठेपी है, तो ठेपी एक काम का आयतन है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 200 में, तो पूरा ये पेन में कितना होगा, तो पूरे आयतन से गुना करेंगे ना 200 में, नहीं समझे। हाँ, तो ऐसे ही है हमारे पास एन समझ में आ गया, स्मॉल एन, उसके बाद देखेंगे जस्ट नीचे लिखा हुआ है, तो कह रहा है देन तब टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, कह रहा है कि चालक में, समझ गए ना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, कुल मतलब ये चालक है तो चालक में पूरा कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पूरे इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर रहा है पहले, तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके पास एन है, तो पूरे आयतन में कितना हुआ, तो आयतन से गुणा कर दीजिए, जी हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर यानी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर, तो मेरे पास कुल आयतन कितना है, कुल आयतन है मेरे पास कितना हुआ, ए ए, तो यहां से लेकर हमारे पास आयतन हो गया ए ए, और किससे गुणा कर देंगे, तो एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या से, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कौन है, नंबर डेंसिटी है, संख्या घनत्व वो कितना है, एल है, तो हम लोग इसको गुणा कर देंगे, यानी एल क्या बताएगा, एल बताएगा आयतन, और एन क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, कहां पे, एकांक आयतन में,
तो दोनों को गुणा कर देंगे तो पूरा आयतन गुणे में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो टोटल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। इस चालक में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या ए एल एम है। क्या है वो, ए एल एम है, समझ में आ गया। इसके बाद ध्यान से देखेंगे तो स्मॉल ई क्या बताएगा, तो कह रहा है चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का समझ गया आवेश को बताएगा छोटा ई। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना, पूरे इलेक्ट्रॉन की संख्या मेरे पास कितना है, ए एल एम। एल लंबाई के चालक में पूरे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, ए एल एम। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश छोटा ई है, समझ में आ गया। और इसमें हम लोग बैटरी को इंक्लूड कर दिए, जोड़ दिए हैं, तो बैटरी का वोल्टेज होगा नहीं, तो यहां लिखा हुआ है क्या, कनेक्टेड तब वोल्टेज हमारे पास V इक्वल टू कितना है, पीडी, इसके द्वारा जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है वी हो रहा है, ठीक है। अब यहां कह रहा है कि उसके ऊपर वाला स्टेटमेंट छूट गया है, कह रहा है टोटल चार्ज इन कंडक्टर, यानी हम लोग अभी पढ़े कि चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ए एल एल है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है, तो उस कंडक्टर का यानी इस कंडक्टर का टोटल चार्ज कितना है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, तब टोटल चार्ज इन कंडक्टर यानी चालक में कुल आवेश, तो कुल आवेश का सिंबल क्या लेंगे, क्यू। आवेश का सूत्र क्या होता है, क्यू इक्वल टू एनी, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। क्या होता है, Q इक्वल टू एन, एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या E क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश। तो मेरे पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन सबके पास कितना है, ए एल एन, ए एल एन, कुल इलेक्ट्रॉन किसे कितना हुआ, ए एल एन। तो यहां हम लोग क्या पढ़ेंगे, हुआ क्यू इक्वल टू एन ई होता है, तो क्यू इक्वल टू एन ई में इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां से निकल यहां पर होगा ए एल एन, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या अगुने में इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है। तो इस चालक में कुल चार्ज कितना हुआ, तो कुल चार्ज हुआ हमारे पास कुल आवेश Q इक्वल टू ए एल एन ई, ओके। हमारे पास कुल आवेश मिल गया किसका, इस चालक का, टोटल चार्ज मिल गया, टोटल हमारे पास क्या मिल गया, आयतन मिल गया, तो टोटल आयतन एल है, टोटल आवेश ए एल एन ई है, और टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितना है, तो ए एल एन है, ओके। अब इस चालक को बैटरी से जोड़ा गया है, इस चालक को बैटरी से जोड़ेंगे, तो बैटरी से क्या होता है, वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, तो मान ली कि भी वोल्टेज सप्लाई हुआ, तो ये लिखा हुआ भी क्या है, विभवांतर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि दोनों इंडो के बीच में विभवांतर कितना है, भी है, तो विभवांतर भी है, तो वोल्टेज के कारण क्या होगा, ई, यानी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उत्पन्न हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पे ई निकालेंगे, तो ई का सूत्र होता है विभवांतर बटा लंबाई, तो पूरे में कितना विभवांतर है दोनों इंड के बीच में, भी, अभी बताया, समझ गया, चालक के दोनों छोरों के बीच में विभवांतर कितना है, भी, और लंबाई कितना है हमारे पास एन, तो विभवांतर बटा लंबाई को क्या कहते हैं, ई। यहाँ पे E का जो वैल्यू है, ठीक है ना, वो कितना होगा, V बाई एल होगा, E का वैल्यू कितना होगा, V बाई एल। तब तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, समझ गए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया चालक को, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, इसके अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, गति करना प्रारंभ कर देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसका मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेगा, और वही सब मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग क्या कहलाता है, अपवाह वेग कहलाता है, परिभाषा यही था। तो जैसे इसको ई सेटअप हो गया, चालक को ई मिल गया, तो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव वेग तो क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ई के डायरेक्शन की अपोजिट दिशा में गति कर रहा है, और वही गति करना क्या कहलाता है, अपवाह वेग कहलाता है। हमारे पास जब यहां से यहां तक जाएगा, यानी चालक के एक छोर से दूसरे छोर तक आवेश को जाने में समय लगेगा, तो समय पहले हम लोग निकाल लेंगे। तो ये लिखा गया है टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा लिया गया समय, क्या हुआ, स्वतंत्र या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा लिया गया समय, कैसा समय है, एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में लगा समय, कहां पे, कंडक्टर में। हमारे पास समय के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे,
तो मेरे पास एक सूत्र होता है, कौन सा सूत्र होता है, ऑस्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। सूत्र हमारे पास क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। हमारे पास समय चाहिए तो यहीं से हम लोग समय निकाल लेंगे, और समय जब निकालेंगे तो चाल बट्टा में चल जाएगा, क्या होगा समय बराबर दूरी और बट्टा में कितना हो जाएगा चाल, ओके। तो दूरी मेरे पास कितना है, चालक की लंबाई है, क्योंकि एक छोर से दूसरे छोर के बीच में जाएगा, तो दूरी की जगह पर हम लोग एल पढ़ेंगे, और चाल कितना है तो अपवाह वेग है वी बी, यहाँ एल बाई क्या हो जाएगा वी बी, इसीलिए यहाँ पे हम लिखे हैं एल बाई क्या वी बी, एल बाई वी बी समय लगेगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक छोर से दूसरे छोर तक आने में। अब हम लोग देखेंगे ध्यान से कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना है, कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला पड़े है, अब हम लोग कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट बराबर तो आवेश बटा समय होता है सूत्र, पढ़े ना जी, कोऑर्डिनेट का बहुत सारा फॉर्मूला है, आप देखिए ना आपको तीन चार फॉर्मूला आपको भी ड्राइव कर दिए। मेन सूत्र होता है कोऑर्डिनेट इक्वल टू विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, आवेश पूरा कितना है इस चालक में, पूरा आवेश आप यहां निकाल चुके हैं ए एल एन ई, और समय कितना लग रहा है एल बाई वी डी, तो हम लोग क्यू का वैल्यू बढ़ दिए यहां से ए एल एन ई, और टी का वैल्यू बढ़ दिया हम लोग यहां से एल बाई वी डी, एल बाई वी डी, एल से एल खत्म हो जाएगा यहां पे, और वी डी जो है ऊपर भाग जाएगा। इसके बाद यहां देखेंगे तो सूत्र बनेगा आई का आई, पहले से कितना है ए है, और एल से एल खत्म हो गया तो ए का ए, एन ई एन ई, और एक बटा वी डी था तो ऊपर चल जाएगा, तो वी डी, यही बेस्ट क्या है रिलेशन है किसमें, अपवाह वेग और कोऑर्डिनेट के बीच में, ठीक है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हुआ इसमें अगर नाम सबको बताना चाहे तो आई बताएगा विद्युत धारा को, ए बताएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चालक के, एन बताएगा एकांक आयतन में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक बोले हैं, और ई बताएगा इलेक्ट्रॉनों का आवेश, और वी डी बताएगा अपवाह वेग यानी डी वेलोसिटी, ये सबका नाम हो गया। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे मोबिलिटी यानी गतिशीलता, तो गतिशीलता का सूत्र होता था मी इक्वल टू वी डी बटा ई या पीजे, प्रीवियस वीडियो में हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे गतिशीलता बराबर अपवाह वेग बटा विद्युत क्षेत्र, यहां से अपवाह वेग निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, तो कितना आएगा वी डी इक्वल टू म्यू इंटू ई आएगा, यहाँ पे वी डी का वैल्यू निकालेंगे म्यू इंटू ई आएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे म्यू ई क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्यों, क्योंकि चालक लिए है, और ये चालक लेते तो होल भी रहता उसमें, तो चालक में केवल इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसीलिए यहाँ पे मोबिलिटी किसका होगा, तो म्यू ई इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बताएगा, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता बताएगा, कैपिटल ई क्या बताएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएगा, और वी डी क्या बताएगा ड्रीव वेलोसिटी यानी अपवाह वेग को बताएगा। तो यहां से देखेंगे वी डी का वैल्यू इसमें बढ़ देंगे, तो जैसे ही वी डी का वैल्यू इसमें बढ़ेंगे तो ये क्या होगा एक नया करंट का और फॉर्मूला जाएगा I इक्वल टू ए का ए, एन का एन, ई का ई, और वी डी का वैल्यू कितना हो गया म्यू ई ए, सॉरी म्यू ई और कैपिटल ई, तो यहां पे हम लोग बढ़ देंगे, नहीं बढ़ेंगे यहां बढ़ देंगे तो कितना हुआ वी डी की जगह पर म्यू ई और फिर कितना हो जाएगा कैपिटल ई, तो एक नया हम लोग का फॉर्मूला आएगा कोऑर्डिनेट का किसमें गतिशीलता के रूप में, ये फॉर्मूला किसमें है ये है अपवाह वेग के रूप में, ठीक है। अब हम लोग के पास एक और कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आ जाएगा, कैसे, तो मेरे पास वीडी का वैल्यू एक और है, वीडी अपवाह वेग का एक हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, तो यहाँ पुटिंग का वैल्यू ऑफ क्या होता है वीडी, तो वीडी का सूत्र कितना होता है ई इंटू कैपिटल ई इंटू टाउ बाई में कितना होता है एम, हम लोग ड्राइव किए थे ड्रीव वेलोसिटी जब पढ़ा रहे थे, तो वीडी इक्वल टू ई इंटू कैपिटल इंटू टाउ बाई एम, इसी फॉर्मूला को ठीक है कहां भर देना है फर्स्ट में भर देना है, तो यहां पे वीडी है तो देखो यहां पे आई का आई, ए का ए, एन का एन, ई का ई, और यहां पे वीडी आप क्या बढ़ेंगे ई स्मॉल ई फिर कैपिटल ई और टाउ बाई में कितना होगा एम, अब यहां पे सॉल्व करेंगे तो ए का ए, एन का एन, और ये दो पीस है तो ई स्क्वायर, और फिर कितना हो जाएगा कैपिटल ई फिर टाउ, और बाई में कितना होगा एम,
कोऑर्डिनेट का ये फॉर्मूला हो गया फिर, यानी फाइनली आपका आएगा कितना, आई इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर कैपिटल ई टाउ बाई एम, समझ गए। यानी अगर ध्यान से देखेंगे तो इसी को में तीन से चार फॉर्मूला कोऑर्डिनेट को मिल गया। कोऑर्डिनेट अभी तक आप एक ही नहीं जानते थे जी, वो जानते थे आवेश बटा समय। तो मेन फॉर्मूला आपके पास कोऑर्डिनेट का कौन हो गया, तो मेन हो गया आई इक्वल टू क्यू बाई टी। दूसरा फॉर्मूला हम लोग कहां हो गया, आई इक्वल टू ए एन ई और वी डी। और तीसरा फॉर्मूला कहां हो गया, आई इक्वल टू ए एन ई म्यू ई और कैपिटल ई। और चौथा फॉर्मूला हो गया आई इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर कैपिटल ई टाउ और बाई में कितना होगा एम, समझ में आ गया। तो ये मेरे पास चार क्या हुआ कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला यहाँ पे हो गया। और ये सबका नाम हम लोग पहले से जानते हैं, फिर से एक बार बता देते हैं। आई जो होगा इलेक्ट्रिक कॉरेंट को बताएगा यानी विद्युत धारा। ए जो होगा ठीक है ना, वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बताएगा यानी क्रॉस सेक्शन एरिया। एन जो बताएगा यूनिट वॉल्यूम में, समझ गया ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएगा। ई जो होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताएगा स्मॉली। और कैपिटल ई जो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएगा। टाउ बताएगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बताएगा यानी संघातों के बीच का औसत समय। और एम बताएगा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है द्रव्यमान बताएगा, समझ में आया। फर्स्ट के पास यही टॉपिक।